साइबर ठगी करने वाले आरोपी को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार करने में कुमाऊं की साइबर पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 4 चेक बुक बरामद की गई है। आरोपी कई राज्यों के लोगों के साथ साइबर की ठगी कर चुका है। साइबर सीओ कुमाऊं सुमित पांडे ने कहा कि अक्टूबर 2023 में नैनीताल की भीमताल थाने में साइबर ठग फर्जी आरबीआई का कर्मचारी बन टीडीएस के नाम पर 35 लाख रुपए ठग चुका है, जिसके बाद मामला साइबर थाने रुद्रपुर में पहुंचा। इस दौरान आरोपी की धर पकड़ के लिए टीम का गठन किया गया। जांच में टीम ने पाया कि आरोपी मध्य प्रदेश के मोरेना और इटावा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न बैंकों के खातों से धोखाधड़ी कर चुका है और इसकी धनराशि भी प्राप्त की गई है। इन खातों से धनराशि नोएडा, दिल्ली और हरियाणा के कई एटीएम मशीनों से निकाली गई है। विवेचना के दौरान साइबर पुलिस की टीम ने मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी रविकांत शर्मा को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये मुरैना के रहने वाले हैं और 2014 से फरीदाबाद में ही रह रहे थे। इन्होंने अपने आप को एक आरबीआई का कर्मचारी बताकर एक रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर भीमताल से लगभग 35 लाख रुपए साइबर ठगी कर ली थी, जिसके अंदर इन्होंने कॉल पे बताया उनको कि आपका टीडीएस जो है वो आपका इंश्योरेंस का पैसा अटक चुका है और आपको तो इतना रुपए एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेगा ताकि आपका पैसा, पॉलिसी का पैसा वापस आ जाए। और धीरे धीरे करते करते इन्होंने उनसे 35 लाख रुपये ठग लिए और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 1 चेक कैनरा बैंक का, आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारी टीम ने बरामद किया है।